नमस्कार बारवटी धौल एक्सप्रेस को स्वागत कुछ मिनट में प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस पर हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोई सा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। कटक रे जलमग्न पई विरोधी दाई किए नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना नुहे कि कटक महानगर निगम नुहे ग्रेनेड समस्या पई कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकिन को दाई करी विवाद रे बीजेडी रा स्टाफ नेता अरिंदम राय। जुलाई शेष सुधा प्लस टू रिजल्ट विभागीय मंत्री को सूचना सुप्रीम कोर्ट को निर्देश परे प्रस्तुति आवश्यक हेले लागी पारे दिने दुई दिन अधिक समय। हैदराबाद रे क्राइम भुवनेश्वर रे गिरफ राजधानी रु पांच साइबर ठकों को धरला साइबराबाद पुलिस सेपटे ओडिशा रे मातिथिबा ई लुटेरा को केबे बाहर धरिबो ओडिशा पुलिस ताकु नै उठला प्रश्न। कटक फैमिली कोर्ट रे हाजिर हेले वर्षा अनुभव प्रथम थर पई कोर्ट रे उभय हेले सामना सामनी चौदह रे आपोस बुझामणा पई तारीख धार्य कले कोर्ट पूर्व बिजली सांसदों नाँ घर हिंसार अभियोग आनी पत्नी लगी दफा 498 ए। शिक्षा क्षेत्र में कोरोनार कराल प्रभाव नुआक बौद्धिक शिक्षा आरंभ कर छोट पा अधिक प्रभावित स्कूल कहले बुझुं मोबाइल और लैपटॉप मानसिक स्तर में पड़ी प्रभाव। राप माध्यम रे कोविड योद्धा को सलाम छोट बयस गीत गायकारी प्रशंसा साउटुं द्वादश श्रेणी छात्र भुवनेश्वर दीप्ति रंजन को चारिड़ छुटुची शुभेच्छार सु। कटक सहर रे जलबंदी समस्या पई दाई के नगर उन्नयन विभाग नुहे कि कटक महानगर निगम नुहे एथिपाई दाई विरोधी विधायक एभले मंतव्य दे एबे विवाद रे बिजेडी रा स्टार नेता अरिंदम राय 6 तारीख रे वर्षा परे सृष्टि होइथिबा कृत्रिम बन्या परिस्थिति पई कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकिम को दाई करछंती अरिंदम। प्रश्न हेउछि 9 वर्ष परे भी काहे कि सरुनी जायका प्रकल्प कुआडे गला जल निष्कासन पई सरकार को मास्टर प्लान 6000 यार उत्तर रखिबे अरिंदम। कटक बारवाटीर विधायक खुशी मोहम्मद मुकिम को जे सी तांकर निर्वाचन इस्तेहार 2019 जो कहते कटक को जलमुक्त करिवे सेटा कौन है खाली लोकंकु धरि जे ड्रेनेज सिस्टम विषय कथा है कि बुली पड़ी आसिक दुटा फोटो छाड़ देले फेसबुक रे किछि तार परमानेंट सॉल्यूशन बाहरी नहीं। सरकार नुहे विरोधी दाई नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना नुहंती कटक बारवाटी विधायक मोहम्मद मुकिम दाई सरकार को प्रतिश्रुति भूली गले। निर्वाचन लड़ीबा बेले मुकिम जो प्रतिश्रुति देथिले ताकु अधिक गुरुत्व देले बीजेडी रो स्टार नेता अरिंदम राय। कटक रे जलमग्न पई सरकार नुहंती नगर उन्नयन विभाग नुहे सीएमसीबी नुहे किंतु विरोधी मंतव्य रखी एवं विवाद घेर अभिनेतारु नेता बनी अरिंदम राय बीजेडी रो युव नेता कटक बारवाटी कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकिम को टार्गेट करी नीचे अड़ुआ पड़ी जा 6 तारीख में असहाय वर्षा जलमग्न हो जाता कटक अनेक अंचल घरे पानी रास्तारे भी आंठु आंठुए पानी कटक अवस्था पर दायी किए बीजेडी नेता अरिंदम राय को कहिबा कथा कांग्रेस विधायक प्रतिश्रुति पालन करिजन नहीं जवाब भी रखी। कटक को जलमुक्त करने कौन सी परमानेंट सॉल्यूशन करुछन्ति कौन तार रोडमैप करुछन्ति केमिति भाव में कटक को जलमुक्त करिवे सेटा सी कटकवासी आगे प्रस्तुत करंतु एवं जदि न करि परचन्ति ताले या स्वीकार करंतु जे 2019 इलेक्शन रे से कटकवासी को ठकी चंती एवं मिछ कथा कहिछन्ति तो से निजे पचारे उचित जे विजु जनता दल शासन चलती 22 वर्ष धरी एवं तांक लोक ओडिसा रे मुख्यमंत्री हेइचंती एवं विजु जनता दल निजे स्वीकार करूची जे कटक प्रति मुख्यमंत्री अविचार करिछंती एवं कटक रो जलबंदी 22 वर्ष भितर सुधारी पार नहंती आमे लोकों को प्रतिश्रुति देइथिलु जलबंदी रु कटक शहर को मुक्त करा जीवा पई विभिन्न मुकिम को टारगेट ना ये सरकार को टारगेट कटक जल निष्कासन हो दायी किए जल निष्कासन दायित्व तो कहार नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना उत्तरदायी ना कांग्रेस विधायक
सीएमसीकु ए प्रश्न पचारिबे कि अरिंदम कांग्रेस विधायकको टार्गेट करबाकु जाई सरकारको पोल खुली दैछथि अरिंदम बाराबाड़ी विधायक प्रतिश्रुति देते से जो दिन निर्वाचित होकर आसवे कटक म्युनिसिपल जो भ्रष्टाचार अफिसर मैंने थे तुरंत बाहर करेंगे सर दुखर कथा मुझे चाहूँगी बाहर करवा तो दूर कथा कटक बाराबाड़ी विधायक ताके घर बस कि मोरी सामने नाली चा पिलाऊ कौन मधुचंद्रिका एट सन्देह घर कटक बाराबाड़ी विधायक आसुच्च जलबंदी नहीं बहुत राजनीति चली जलबंदी रु मुक्त करोक हताश प्रतिश्रुति बहुत लोग जीति कहीं कि ना तादर सद्योत्तम उदाहरण मोहम्मद मुकिम भाई कटक जल निष्कासन समस्या अनेक दिन विभिन्न समय सरकार एने प्रतिश्रुति भी सब फेल हेले अरिंदम भाषा एवल विरोधी ही दायी कटक इमरान खान रिपोर्ट अर्गस न्यूज हैदराबाद रे क्राइम भुवनेश्वर रे गिरफ भुवनेश्वर पांच साइबर ठक गिरफ होती भरतपुर थाना पुलिस सहायता रे हैदराबाद पुलिस एमन को गिरफ करछि संचय धन हेउ कि दरकारी अर्थ आखि पिछुला के उड़ाई नेउछंती साइबर ठक बाहर राज्य पुलिस एमन को गिरफ करथिबा बेले ओडिसा पुलिस केबे राज्य बाहर को जीव बोली साधारण रे प्रश्न उठुछि भुवनेश्वर रे लुचिथिले साइबर अपराधी गोडाई गोडाई धरिला हैदराबाद पुलिस हैदराबाद रे ठकिले भुवनेश्वर गिरफ हेले मणपुरम गोल्ड लोन रो डोरस्टेप स्कीम नारे अकाउंट रु खाली करथिले 30 लाख रु ऊर्ध टंका मणपुरम एप्स रो आईडी पासवर्ड को हैक करी सुना देबा नारे लोकंकु लगाउथिले चुना मुख्य अभियुक्त को गिरफ करी अन्य ठकंक संधान करी करी भुवनेश्वर रु पांच अभियुक्त को गिरफ करिछि हैदराबाद पुलिस हैदराबाद रे एक बड़ धरणर साइबर ठकेईर अभियोग परे ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करथिला हैदराबाद पुलिस आउ ए अभियुक्त माने ओडिसा रे एवं एमाने राजधानी रे लुचिथिबा जानिबा परे ओडिसा रे पहुचिथिला हैदराबाद पुलिस रो स्पेशल टीम भरतपुर पुलिस सहायता रे साइबर अपराधी को धरिबा पई हैदराबाद पुलिस आरंभ करथिला स्पेशल ऑपरेशन राती अधिया छापा मारी राजधानी रो विभिन्न स्थान रु पांच अभियुक्तक स मुख्य अभियुक्त को गिरफ करा जायथा बळे एबे भी जणे अभियुक्त फेरार अछि वी आर केम फ्रॉम हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन इट्स एन इट्स ए डोर स्टेप लोन इंस्टेंट लोन इन द नाम इन द नेम ऑफ मणपुरम सर हाउ मेनी पर्संस आर अरेस्टेड यू एक्चुअली फाइव मेंबर्स आर अरेस्टेड प्राइवेट जॉब से भी कुछ कोर्ट ने जणे बदे ग्रेजुएट थिल एपर जले कुछ हम तकर एंटीसिडेंट वेरिफिकेशन करलु ए पर्यंत कुछ मिलला राज्य भितर ठु नै राज्य बाहर देश ठु नै देश बाहर पर्यंत सबुठि लंबिछि साइबर ठकेई रो चेर गृह मंत्रालय रो रिपोर्ट अनुसार साइबर ठकेई रे नवम स्थान रे रहिछि ओडिसा केवल फेब्रुवारी मास रे 157521 मामला रुजु होइथवा बळे मार्च मास रे 49992 टी एवं एप्रिल मास रे 185000 सेइबळी मे मास रे 299862 जून मास रे 79996 टी साइबर ठकेई अभियोग होइछि सेहिपरि राज्यर साइबर हेल्प डेस्क रे जनवरी मास रे 368 जण ठकेईर शिकार होइथवा बळे फेब्रुवारी मास रे 352 जण मार्च मास रे 310 जण एप्रिल मास रे 220 जण एवं मे मास रे 256 जण एहिपरि मोट 1476 जण ठकेईर शिकार होइछन्ति लक्ष लक्ष लोके ठकेईर शिकार होता बेले आकाउंट रु उड़ी जाउछि कोटी कोटी टंका अनपटे ओडिसा पुलिस केवल सीन को जबत करी गोल्डन आवर रे कंप्लेन कले आकाउंट फ्रीज करी चुपचाप बसी पड़ुता बेले राज्य भितरे पसी बाहर राज्यर पुलिस साइबर अपराधी को गिरफ करुछि जहाकि ओडिसा पुलिस रो अपारगता को पदारे पकाइछि कोटना कोटी ओडिसा पुलिस रिसेंटली गोटे सीम प्रॉब्लम सेगमेंट को सॉल्व करिवे सक्षम हेतिले मध्य कोठी ना कोठी ओडिसा पुलिस सेही लेवल ऑफ साइबर क्राइम को रोकिवारे अक्षम आबली आमे फील करछु अनुभव करछु संचित धन हेउ कि दरकारी अर्थ आखि पिछुला के उड़ाई नेउछंती साइबर ठक बाहर राज्य रु आसी हैदराबाद पुलिस साइबर अपराधी को गिरफ करथवा बळे ओडिसा पुलिस केबे राज्य बाहर को साइबर अपराधी को मूलपोछ करबा पई जाउछि
ତାକୁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ब्रेकफास्ट स्वागत। जुलाई शेष सुधा प्लस टू रिजल्ट एने विभागीय मंत्री समीर रंजन दास सूचना देते जुलाई शेष सुधा रिजल्ट पर सुप्रीमकोर्ट को निर्देश रही तेणु 31 सुधा रिजल्ट प्रकाश करने को चेष्टा चली तेज इस समय न बाहर रिजल्ट दिने दुई दिन अधिक समय लगे मंत्री पूर्व अगस्ट 15 सुधा रिजल्ट बाहर को योजना होता। କହିଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ କଥା କହିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେହେତୁ 31 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ବେଷ୍ଟ ଫର 31 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଆମେ 31 ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବୁ ହୁଏତ ନହେଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ କଥା ଯଦି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଫର 31 ଜୁଲାଇ। गणशिक्षा मंत्री बासभवन घेराव कले बेड छात्र छात्री ओएसएस टीईटी कंट्राक्ट टीचर और बेड्र नियमावल में समन्वय रो नभोग कर छात्र छात्री बेड्र जो नियमावल रही ओएसएस टीईटी और कंट्राक्चुआल टीचर पोस्टिंग दे समान नियमावल ना एससीईआरटी 2019 बीएससी और ओएसएस टीईटी और कंट्राक्चुआल नियमावल में परिवर्तन करने निर्देश देता बेले बीएससी एपर्यंत कौन परिवर्तन करूना छात्र छात्री एथ 2018 परठार जो छात्र छात्री बीड करते हाईस्कल शिक्षक प्रवेशिका परीक्षा व ओएसएस टीईटी दे पारना यार प्रतिवाद गणशिक्षा मंत्री को भेट दावीपत्र छात्र छात्री से मंत्री कहते छात्र छात्री दाबी संपर्क में विचार कर समस्त छात्र छात्री जो परीक्षा दे पारे से व्यवस्था करा छिबो। छात्र छात्री दाबी को आखि आगे रखी ओएसएस टीईटी परीक्षार शेष आवेदन तारीख 13 तारीख दिने दुई दिन पर्यंत घुंचाई दिया जिवो बोली कहिसेंति मंत्री। आमे जेतो बळे 2019 रे मु एडमिशन कली तो आमो एडमिशन क्राइटेरिया थिला कि जे कोनोसे दुईटा स्कूल सब्जेक्ट थिले तो आमे बीएड पाई परबो। मोर थिला जो राजनीति विज्ञान आ इतिहास थिला तो मुझे तो बीड़े पाई गली तो मुझे भी ओएसटीटी कौन पाई दे पारि सरकार आमको कौन पाई एमती हतदार करदी आमको काउनसलिंग करके ने बीड कलेज पढ़े देन आम एलिजिबल कौन पाई हो विषय में आम मंत्री सहित कथबार्ता हलु मंत्री आमको आश्वर कर सहित कथबार्ता होती कहते कि यहाँ पर एक्शन निहन जहाँ रही ओएसटीटी गाइडलाइन से जहाँफल कि जो मैंने 2018 मसीह पास आउट ग्राजुएसन पास आउट होगापर जो मैंने एससीईआरटी अंडर में गाइडलाइन अनुसार बीएड करमी ओएसटी दे पारत आ कंट्राक्चुआल जो टीचरशिप टीचर जो बाहर जब पाईका से अप्लाई कर पारत 2000 जोटा कि एससीईआरटी गाइडलाइन प्लस आमर जोटा आम ओएसटी गाइडलाइन जो डिफरेन्स अच्छी जहाँफल कि हजार हजार पे दि जाऊँच कि बीएड करूँ कि ओएसटी अलाउ कराने करेंगे कौन दु वर्ष सरकार से नष्ट कम करते बीड पिलामानकर जो दुई मार्क लांगुएज को लेकिन जो समस्या पे आज आसते गोटे दायीपत्र ओएसटी परीक्षा देवाई सुजोग पाँना कहीं जो समस्या अच्छी आगु जो गाइडलाइन टीता से संपर्क में आम विचार करूँ एवं खूब शीघ्र आम निष्पत्ति नबू जपरी भाव सब पिला आपियर करें परीक्षा दे पारे से आम विभाग तरफ नौ जो 13 तारीख पर्यंत जो अच्छी ताकूली हो जाए तेणु या विचार को ना पर्यंत आवश्यकता पड़े दिन दुई दिन एक्सटेंशन करवस्था कर। कटक फैमिली कोर्टे हाजर हेले वर्षा अनुभव वर्षा अनुभव पृथक पृथक भावे आसी कोर्टे हाजर होते प्रथम करी कोर्टे उभय वर्षा एवं अनुभव सामना सामनी होते अनुभव महांती और पत्नी वर्षा प्रियदर्शिनी आज पारिवारिक अदालत मध्यस्थ केन्द्र में हाजर होते कंसिलेटर द्वारा उभयों मध्य आपोस बुझाणापी चेष्टा कर मात्र से भी कौन सुफल मिल न पुणी आसंता 14 तारीख में कंसिलेशन दिन धार्य कर वर्षा पक्ष न शुणी बहुत विच्छेद मामलार राय प्रकाश करने को अनुभव दायर करवेदन कटक पारिवारिक अदालत में शुणी धार्य होता वर्षा पक्ष यार जवाब दाखल करे आवेदन उपर कौन शुणा नक अनुभव पक्ष कोर्ट को अवगत करोर्ट यह ग्रहण कर बहुत विच्छेद मामलार शुणा जारी रखा निष्पत्ति ग्रहण कर
अनुभव मध्ये विवाह विच्छेद को नहीं बिवाद बढ़ी बढ़ी चली। वर्षा अनुभव एवं परिवार विरोध में बहुबार कटक पुरीखाट थाना अभियोग कर सारी। वर्षा एवं निज शशुर घर एका रही आईनगत लड़ई लड़ुंट। पूर्व वर्षा बिजेडी सांसद अनुभव महांती नाँ घर हिंसार अभियोग आनी Law will take its own course of action, that's all I can say. It's personal life, I don't want to discuss with anyone else. Apan manakar shubhechha rahu, apan manakar aashirwad thau. Jahata bhi hou, nyayar joy hou, satyar joy. I don't want to discuss my personal life with anyone. Conciliation cell re, conciliator, aau dui pakkhya thile, tenu tankara kon adha adhi aichi, puni next tarikh 14 tarikh ro aichi. आउ तेणु तक कौन कथबार्ता है आम नु प्रेजेन्स तेणु आम जापरुन आउ फैमिली कोर्ट में जो गोटे पिटिशन थी हियरिंग से पिटिशनटा हियरिंग है से पिटिशन से प्रेस कले तेणु आमर आज जवाब दाखल है से गोटे पिटिशन देते आम एक्सपर्ट वर्षा को एक्सपर्ट कर जजमेंट कर पिटिशनटा प्रेस कले से पिटिशनटा रिजेक्ट है आउ नट प्रेस है नट प्रेस है किंतु से कहले जेहतु जवाब आम एक्सेप्ट हो गला तेणु विचारपी रहा आउ डीबी केस रे आज कॉपी सर्विस पेन थिला कॉपी मु रिसीव कर छी। खबर जार रहबो समय छौ एक ब्रेक रो। ब्रेक रे पुनी थरे स्वागत। राजधानी रे वृद्धि पाइबा लागिछि डेंगू रोगी संख्या। प्रत्येक दिन नुआ नुआ डेंगू रोगी चिन्हट होती किंतु डेंगू रोगी संख्या को नहीं लागि रहिछि द्वंद। डीएमटी कहते डेंगू स्थिति वर्तमान आयत्त रही डेंगू नहीं लोकों व्यतीव्यस्त नाक परामर्श देते डेंगू एवं एंडेमिक डिजिज यह किसी किसी स्थान में व्यापुच कौन जगार एका सांगे अधिक केस आसनी एपिडेमिक स्तर को आसे चिंता बढ़ाईपे कहते डीएमटी सेपटे डेंगू ज्वर को नहीं राजधानी में सृष्टि भय घरे घरे माड़ चली ज्वर आरएमआरसी पक्षर् नीलाद्री विहार सहरांचल प्राथमिक गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में डेंगू टेस्टिंग जारी रही गतकाल परीक्षा करथिबा व्यक्तिक मध्यरु 14 जन और आज 6 जन डेंगू रोगी चिन्हट होती से आज 20 जन रक्त नमूना संग्रह बीएमसी तरफ स्पेशल टीम कर समस्त रोगी नजर रखा नर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर आमर पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू रु से इम्पोर्टेंट नो जेते बले से एपिडेमिक प्रपोर्शन को आसीबो सेते बले निश्चित भाबरे सेटा जनस्वास्थ्य दृष्टि रु चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि करि पारे सेटा भी डेंगू आपण जानि चंती 2016 मसिया परे भार ओडिसा रे केते थोर एपिडेमिक प्रपोर्शन नेस्ट तेणु सरकार बा आमर सब अनुष्ठान गुड़िक हेल्थ अनुष्ठान गुड़िक स्वास्थ्य अनुष्ठान गुड़िक डेंगू चिकित्सा निमंते से माने आगुरु सचेतन अच्छा एवं एबे भी डेंगू आसिले भी से माने करि परबे कि असुविधा नै हमर टोटल जेहेतु एटा तर रुटीन जिक्स वर्षा स्टार्ट हे गेले हमर सब एरिया रे डेंगू सचेतनता होय बट जेहेतु किछि हमर बाहर चंदि बॉल करे बाहर चंदि हमर नेला देहार सोलसे बिहार रे सेति भी हमर टीम रेडी हे जाय चंदि हमर मेडिकल टीम पर तो अछंति आ हमर वार्ड ऑफिसर सेंटरी इंस्पेक्टर हेल्थ वर्कर अन्य नाम फेलियर सुपरवाइजर आ स्पेशलिस्ट माने अछंति जो माने गोटे बड़ा टीम हे कि प्रत्येक घर को गोटे गोटे घर को जाय के बुझौ चंदि। अर्गसर प्रभाव खबर प्रसारण पर असहाय को मिलला सहायता सहायतार हाथ बढ़ाई पूर्वतर विधायक प्रभात रंजन विश्वाल कोरोना महामारी रे कटक राजेन्द्रनगर अंचल रे प्राण हर अशोक मिश्र अशोक मृत्यु पर दुई कुनी झी और वृद्ध बापा को किपर चलाइए चिंतार थे अशोक पत्नी एने अर्गस न्यूज रे खबर प्रसारण होता पूर्वतन विधायक प्रभात रंजन विश्वाल अशोक पर सहायता करने को आगे आशोक घर को जाए पर सहित आलोचना कर प्रभात पिलापढ़ा दायित्व ने सहित से स्कूल फी किपरि छाड़ हेबो सेनी स्कूल कर्तृपक्ष सहित आलोचना करा जाइछि बोली कहिछन्ति पूर्वतन विधायक प्रभात विश्वाल एबे तांकर केही नाही तांको परिवार को चलैबा पाए आपण मानको थारु जानिबा परे जाई पहुँचिथिलि तांको परिवार को पाखरे मु देखिलि तांकर दु बेटी झियो बहुत सानो किंतु भल पाठ पढुछन्ते से दुई झियंकर पाठ पढिबार अभिलाष रहिछि तेणु से पाठ पढ़ुंट से किभ भाव में सेंट्रल स्कूल एडमिशन हवा कथा से अनुरोध करते जहाँ संभव हो पार से पर प्रति सरकारी सहायता हो कि समस्त सहयोग हो आमर किसी सहयोग हो जहाँ सहयोग करवा कथा से पर प्रति कर्तव्य करवा कारण अनुभव कर चलने कोरोना महामारी समय
କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରେ ପୁରା ଦେଶ ଏସବୁ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଖାସ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଆଉ ଲ୍ୟାପଟପ୍। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆକରି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କରୋନା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଚିତ୍ର। ବୌଦ୍ଧିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି କେବଳ ମୋବାଇଲ ଓ ଲ୍ୟାପଟପ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ସହ ଜୁଜୁଛି ମଣିଷ ସମାଜ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆକରି ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖେଳାବୁଲା କରି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବାଠାରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍କୁଲ ଯାଇଥାନ୍ତି କେଣୁ ଆଉ ଫୋନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲେ ଖେଳିଥାନ୍ତି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁ ଖେଳିଥାନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଯାଇପାରିଲନି ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି? ହଁ। କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛ? ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଏବେ। ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ସବୁ କଥା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଖେଳକୁଦ ତ ପିଲା କଲେନି, ବାସ୍ ଘରେ ହିଁ ଏମିତି ପଢାପଢି ଅନଲାଇନ୍। ସ୍କୁଲ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ କି ସ୍କୁଲ ସେଠିକା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଯେମିତି, ଘରେ କ'ଣ ସେଟା ମିଳିପାରିବ? ହେଲେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବଡ଼ ପିଲା ସିନା ଜାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ ପରେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଖୋଲିଲେ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏକମତ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଆମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ପିଲାମାନେ ଆମର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଘରେ ଥାଇ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ଭଳି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଲା, କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଲର୍ନ କରିଥାନ୍ତେ, ଖେଳିଥାନ୍ତେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ବି ଏନ୍ଗେଜ୍ କରାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଆଉ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।